साथियों, जब इतिहास छलका रहा हो तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था, इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाजारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त यूरिया देंगे। बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी। पहले तो यूरिया ब्लैक में लेना पड़ता है, यूरिया के लिए रात रात लाइन में ला करके रात को बाहर ठंड में सोना पड़ता था और कई बार यूरिया लेने वाले किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती थी। आज ये सब बंद हो गया। यहां तक कि कोरोना लॉकडाउन तक उसमें भी जब लगभग हर गतिविधि बंद थी तब भी हमने यूरिया पहुंचाने में दिक्कत नहीं आने दी गई। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। और इतना ही नहीं, किसान के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे इसका प्रबंध किया। साथियों, सिर्फ दाल की ही बात करें, पल्सिस की बात करें, 2014 से पहले के 5 सालों में, हमारे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। कितनी? 650 करोड़। कितना भैया, जरा बताइए, पूरे देश में कितना? 650 करोड़। लेकिन हमने 5 साल में क्या किया आकर के, हमारे 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़, यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है, यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब करीब 50,000 करोड़। 2014 से पहले के 5 सालों में, उनकी आखिरी सरकार की मैं बात कर रहा हूं, 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था पूरे देश में, 2 लाख करोड़ का एमएसपी पर। लेकिन हमने हमारे 5 साल में धान के लिए 5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में किसानों तक हमने पहुंचा दिए हैं साथियों। यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। 2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला, 1.5 लाख करोड़ उनकी सरकार के 5 साल।
हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भी हमें 2000 रुपए नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्य के किसानों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। साथियों, देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है, और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। साथियों, हमने वादा किया था कि किसानों के लिए पेंशन योजना बनाएंगे। आज पीएम किसान मानधन योजना लागू है और बहुत कम समय में ही 21 लाख किसान परिवार इसमें जुड़ भी चुके हैं। भाइयों और बहनों, वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे, और मुझे विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है।